दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है और आपने आधार कार्ड में अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, फोटो, मोबाइल नंबर या फिर अपने ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि UIDAI पोर्टल में एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है। इसमें एक नए ऑप्शन को जोड़ दिया गया है, एक नई सर्विस को जोड़ दिया गया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही मात्र 2 मिनट में आप आधार को अपडेट कर सकते हैं। तो कौन से सर्विस को यहाँ पे ऐड किया गया है, कैसे आपको उसका यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा, और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर, फोटो, डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम कुछ भी अगर अपडेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ब्राउजर को ओपन करना है, ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप कर देना है SSUP, ठीक है। आपको यहाँ पर टाइप करना है SSUP, आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पहला जो लिंक आपको देखने को मिलेगा SSUP.UIDAI.GOV.IN, आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करेगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे UIDAI पोर्टल पर लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ आप देखते हैं वेलकम टू माई आधार, आप यहाँ पे अपने आधार पोर्टल पर यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब थोड़ा सा नीचे आएगा तो कौन सा ऑप्शन है आपका, कैसे यहाँ पे नया सर्विस जो ऐड हुआ है, तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है सबसे पहले आप नीचे आएगा, नीचे आपको यहाँ पे देखने मिलता है बुक अपॉइंटमेंट। तो जो नया सर्विस को ऐड किया गया है वो सर्विस आपको इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आपको अपनी सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए किसी में एक सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका सिटी होगा सिटी को सिलेक्ट करेगा, प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप पहले यहाँ पर लॉग इन होते तो होंगे तो आपको यहाँ पर आधार अपडेट, न्यू आधार, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अभी आधार स्पेशल सर्विस का एक ऑप्शन नया ऐड कर दिया गया है। अब इसी के माध्यम से आप घर बैठे आधार को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे आप इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, आधार स्पेशल सर्विस वाला ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है, कैंप सर्विस और होम सर्विस। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सर्विस यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेश आधार कार्ड, आप नया आधार कार्ड बना सकते हैं, अपने नाम को अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर को अपडेट कर सकते हैं। पहले आना यहाँ आपको आधार स्पेशल सर्विस पर क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ आपको देखने मिलता है होम सर्विस का ऑप्शन, आपको होम सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही होम सर्विस वाला ऑप्शन आप क्लिक करेगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पूरा, ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है। पहले इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो चलिए इसके लिए एक नया टैब को हम ओपन कर लेते हैं, फिर से नया टैब को ओपन करते हैं। यहाँ आप कन्वर्टर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर देंगे इंग्लिश टू हिंदी, इतना लिख देते हैं, इतना लिख के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंग्लिश जो आप कॉपी किए हुए हैं, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, नीचे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है UIDAI ने एक विशेष सेवा होम एनरोलमेंट शुरू की है, जहाँ निवासी अपने घर पर आधार कार्ड नामांकन या अपडेट कर सकते हैं। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नामांकन अपडेट किया गया है, तो आपको यहाँ पे वे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको बताया गया इस तरीके का, इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ देखने को मिल जाएगा गृह नामांकन आवश्यकताएँ, अगर आप घर पर अपना अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको अच्छी रोशनी वाली जगह, बिजली कनेक्शन, मेज और कुर्सी, फोटो के लिए सफ़ेद पृष्ठभूमि, आवेदकों को मूल दस्तावेज ले जाने चाहिए, दस्तावेजों की सूची नीचे देखें। तो ठीक है, आपको इतना इसको देख लेना, इसका फिर आपको उसी पेज पे बैक चले आना। अब बैक चले आइएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक आइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आधार स्पेशल सर्विस पे क्लिक करिएगा, होम वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा इस तरीके का कुछ ऑप्शन, और यहाँ पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा होम इनरोलमेंट टेम्पलेट, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे होम इनरोलमेंट टेम्पलेट, आप क्या अपडेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया कि 0 से 5 ईयर के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज है। अगर यहाँ पर कट का निशान जिस पर दिया हुआ है उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं,
इसके बाद यहाँ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कुछ यहाँ पे अबव फाइव ईयर। अब इसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा ऑल एज ग्रुप, ठीक है। आपको इसको देख लेना है सही से और इसको रीड कर लेना, उसके बाद आपको बैक चले आना। अब यहाँ से फिर से बैक चले आना, आप कैसे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आधार स्पेशल सर्विस, उसके बाद होम पे क्लिक करना, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इंटर एरिया पिन कोड, आपका जो एरिया रहेगा आपको अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पे टाइप करना है, चेक अवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर लीजिएगा, चलिए अपने एरिया का पिन कोड जो रहेगा हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है, टाइप करने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, यहाँ पे देखते हैं अभी ये नया सर्विस को लॉन्च किया गया है तो यहाँ पे देखने को मिलता है सर्विस अवेलेबल फॉर इंटर पिन कोड, तो आपको यहाँ पिन कोड टाइप करना और अवेलेबल वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने मिलता है होम इनरोलमेंट सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर इंटर पिन कोड। तो मतलब ये जो पिन कोड हम यहाँ पे टाइप किए हैं इस पिन कोड अभी अवेलेबल नहीं है, आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे टाइप कर लेना, बाकी अपना आगे का प्रोसेस जो डिटेल रहेगा डिटेल को फिलअप करिएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपका आधार जो है वो आपके घर पे आकर वो लोग अपडेट कर देंगे, आपको कहीं भी जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सर्विस बहुत ही जल्दी हर स्टेट हर पिन कोड पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी कुछ ही यहाँ आपको देखने मिल जाएगा कुछ ही पिन कोड पे आपको अवेलेबल मिलेगा, तो आपको अपना जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा पहले यहाँ पे टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।